चाय के साथ बनाएं तीखा ब्रेड पकोड़ा, सबको बहुत ही पसंद आता है। आज की रेसिपी सिंपल है, ना सोडा इस्तेमाल करेंगे। देखने में जितना अच्छा लगता है बनाने में उतने ही सिंपल। हेलो एवरीवन, पूनम की रसोई रसोई की कहानी में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़ा या ब्रेड कटलेट भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो ब्रेड कटलेट बोलते हैं। ये मैंने बटाटा पहले ही बॉईल करके रख ली हूँ और इसकी छिलके उतार के इसे फोड़ लेंगे। और आप चाहे तो ये जो बटाटे के मिश्रण जो मैं बना रही हूँ, ये बना करके भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। एनी टाइम कभी भी आप ब्रेड पकोड़ा, वड़ा, सैंडविच कुछ भी इस मसाले से हम बना सकते हैं। ये देखिए मैंने फोड़ दिया, पूरा अच्छे से मैश कर लिए। अब इसके मसाले की तैयारी करते हैं। इसमें मैंने डाल दिया अच्छा खासा लहसुन, लहसुन का भाग ज़्यादा डालना है, अदरक, हरी मिर्ची, और इसे हमें पीस लेना है, मतलब बहुत बारीक नहीं, दरदरा सा पीस लेना। ये देखिए मैंने दरदरा पीस, इसको ठेचा बोलते हैं। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें मैंने ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी, 2 से 1.5 स्पून ऑयल डाल दिए, मस्टर्ड डाल दिए हैं, राय का दाना चटक गया, जीरा थोड़ा सा डाल देंगे, कड़ी पत्ता और हींग, ये सब डाल करके थोड़ा सा सौते कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर हम ये जो ग्रीन ठेचा बनाए हुए इसको डाल देंगे। डालने के बाद इसे थोड़ा सा भून लेंगे, और ये जो हमने बनाया है लहसुन मिर्ची अदरक का, इससे ही इसके बहुत ज़्यादा टेस्ट आते हैं। अब मेरे को तो आज ऐसा मन किया कि कुछ खाने का, तो मैं बोली चलो आज हम ब्रेड पकोड़ा बनाए। और हमारे यहाँ तो ब्रेड पकोड़ा नहीं, यहाँ इधर तो मार्केट में बोलते हैं इसे ब्रेड कटलेस। और इसमें थोड़े सा हल्दी डाल दिए हैं, हल्दी डाल के थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो भूनने के बाद हम डाल देंगे बटाटा जो हमने मैश करके रखे थे। ये डालने के बाद इसको चला लेंगे अच्छे से, मतलब अल्टी पल्टी करके मिक्स कर लेना है हमें। अब ये देखो चलाने को तो हो नहीं रहा है, तो लेकिन थोड़ा अच्छे से चला लेना है, सब मसाले हल्दी एक जुट हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद अच्छे से हमें भून लेना और एकदम अच्छे से मिक्स करना है, पूरे मिक्स कर लेना है भून के। और इस गैस आप मीडियम में रख लीजिए, बहुत फास्ट नहीं करना है, नहीं तो नीचे से आलू लगने लगेंगे। अब ये देखिए मैश हो गए, कितने अच्छे से मैं भून ले रही हूँ। ये इतनी झटपट से, अगर आपके पास समय ना रहे तो आप ये मिश्रण को पहले से बना ली। अब इसमें मैं कटी हुई हरी धनिया डाल दूंगी, बारीक कटी हुई हरी धनिया बहुत ज़रूरी है। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया, भूनते भी जा रही हूँ और मिक्स भी करते जा रही हूँ। अब ये देखिए ये चम्मच पर ज़्यादा लग गया, तो दूसरे चम्मच से निकाल दे रही हूँ। अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो गए और भून भी गए। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते। अब ये देखिए मैंने एक बाउल में निकाल दिया, ये ठंडा हो गए हैं मिश्रण। आप चाहे तो फ्रिज में रख दीजिए, कभी भी निकाल के बना सकते हैं। ये मैंने बेसन ले लिए, चने के आटा ले लिए हैं, और इसमें हम डाल देंगे नमक। मैंने कोई चावल के आटे वटे कुछ नहीं डाले। अब ये नमक डाल के थोड़ा मिक्स कर देंगे, थोड़े थोड़े पानी डाल के हमें घोल बना लेना, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, तो भी ऐसे कि ब्रेड में लग जाना चाहिए ये बैटर एकदम अच्छे से। बहुत पतला कर देंगे तो नीचे गिर जाएगा, बहुत जाड़ा कर देंगे तो ज़्यादा लगेगा नहीं, इसलिए हमें घोल बहुत हिसाब से बनाना है, बहुत पतला और बहुत गाढ़ा नहीं। ये देखिए घोल बन के रेडी हो गया, थोड़े थोड़े पानी डाल के हमें घोल बनाना। ये देखिए इस तरह हमें ये घोल बना ले, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह रखना। अब ये मैंने 2 ब्रेड ले लिए हुए हैं, और ये 2 ब्रेड को बीच में ऐसा हम त्रिकोणा कट कर लेंगे। ये देखिए इसमें आराम से आपके 2 ब्रेड पकोड़ा बन जाएंगे, और या ब्रेड कटलेस, हमारे यहाँ तो कटलेस बोलते हैं, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ तो ब्रेड पकोड़ा तो बोलते नहीं, यहाँ ब्रेड कटलेस बोलते हैं। अब ये मिक्सर को मैं ये आलू की मिक्सर ले रही हूँ, और इसमें लगा लेंगे अच्छे से, हमें पूरे अच्छे से ये ब्रेड पे लगा लेना है। ये हमने जो फिलिंग तैयार किए हैं, इसे फिलिंग को अच्छे से लगा लेना, और इसके ऊपर ये दूसरे कटे हुए ब्रेड रख लेंगे। ऐसे ही मैं दूसरे भी बना लेती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने भर लिए हुए। आप चाहे तो बोलते हैं ना, जितना मन करे उतना इसे ब्रेड बना करके भी रख सकते हो, फिर बाद में आप इसे बेसन में डीप करके फ्राई कर सकते हैं। ये दूसरे भी हम लगा ले रहे हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है फ्रेंड्स, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स आप लोग के लिए, ज़रूर आप लोग मेरे को फीडबैक ज़रूर दिया करें।
अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन बटन प्रेस कर देना जिससे मेरी नई वीडियो आपको मिल सके। ये देखो दोनों मैंने ब्रेड में ये मसाले लगा चुकी हूँ। अब ये देखिए, ये मैं घोल में बेसन के घोल जो तैयार की थी उसमें हम डाल देते हैं और इसको अच्छे से अल्टी पल्टी करके हमें मतलब लगा लेना है बेसन। ये देखिए इस तरह हमें बेसन लगा लेना है ये, और मैंने तेल पहले ही चढ़ा दिए थे, अच्छे खासे गर्म हो गए तब ये हम ब्रेड कटलेट्स डालेंगे। ऐसे ही मैं दूसरे भी डाल दूंगी। मैं फ़िलहाल अभी दो ही बना रही हूँ और ये जो मैंने आलू के मिश्रण तैयार किए इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, बाद में जब हमें मन करेगा तब हम बना लेंगे। अब ये देखिए फुल आँच पे हमें इसे फ्राई करना है, डीप फ्राई, हमें कोई स्लो आँच नहीं करना है। अब ये देखिए एक साइड से हमें ऐसा तुरंत पौनी नहीं लगाना है, थोड़ा सा पीछे साइड हो जाए तभी हमें इसे पलटी करना है। ये देखिए एक साइड से थोड़ा हल्का ब्राउन हुआ है, अभी हमें अल्टी पल्टी करके इसे फ्राई कर लेना है। देखिए कितना एकदम बाजार जैसे हुआ, ये एक से दो खाते ही पेट भर जाता है, इतने बड़े बने हुए हैं ये। ये देखिए अल्टी पल्टी करके थोड़ा ब्राउन टाइप में हो गए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं, मतलब इसके कलर चेंज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना है हमें। ये देखिए एकदम बाजार मार्केट जैसे मैंने ये ब्रेड कटलेट्स बनाए हुए हैं। ये देखिए बना के हो गए हैं, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए प्लेट में हम रख दे रहे हैं और इसके साथ हम क्या करेंगे, ग्रीन चटनी बनाएंगे। मैंने हरी चटनी बनाए हुए, आप चाहे तो लाल मसाले के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि लाल मसाला हर जगह नहीं मिलता इसलिए मैंने ग्रीन चटनी बनाई हुई। घाटी मसाला हमारे यहाँ बहुत मिलते हैं, यहाँ घाटी मसाला और हरी चटनी के साथ देते हैं मार्केट में। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितने अच्छे से बने।